अच्छी बहनों भाइयों, सावन के तथा कथित पावन महीने में कांवड़ यात्रा की धूम मची हुई है। समूचे दलित पिछड़े समाज के नौजवान अपनी अपनी किस्मत चमकाने के लिए कांवड़ लेकर शिवालयों की ओर दौड़ रहे हैं। हमारी इस गौरवशाली यात्रा पर संपन्न समाज के लोग मुस्कुरा रहे हैं और सोच रहे हैं कि इन मूर्खों को जगने में अभी बहुत वक्त है। उन लोगों के भावनाओं को जब मैं एहसास कर रही हूं तो हमें बहुत कष्ट हो रहा है। इसीलिए अपने गरीब समाज के लोगों से मेरा एक सवाल है। क्या सवाल है? होता जो पावर कांवर में हो, होता जो पावर कांवर में धोने वाले कलक्टर हो जाते, धोने वाले कलक्टर हो जाते, होता जो पावर कांवर में ढोने वाले कलक्टर हो जाते, और अड़भंगी की कृपा से हो, अड़भंगी की कृपा से डीएम डायरेक्टर हो जाते, कृपा से जीएम डायरेक्टर हो जाते। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं जरा सुनिए। आए गरीबों सुनो, संविधान लागू होने से पहले अमीरों की गुलामी करना आपकी जिंदगी थी, तब ये देवी देवता कहां थे? तब आपका भाग्य क्यों नहीं चमकाते थे? आगे सुनिए मेरा सवाल क्या है। विद्यालय का काम कौन जब मंदिर ज्ञान सिखाते हैं, विद्यालय का काम कौन जब मंदिर ज्ञान सिखाते शुकुरान को पढ़ी पढ़ी के हो, शुकुरान को पढ़ी पढ़ी के सब ज्ञानी प्रोफेसर हो जाते, हो ज्ञानी प्रोफेसर हो जाते, सब ज्ञानी प्रोफेसर हो जाते, हो शुकुरान को पढ़ी पढ़ी के, हो शुकुरान को पढ़ी पढ़ी के सब ज्ञानी प्रोफेसर करें। जब मंदिर और शिवालय से ही किस्मत बनती है तो संपन्न लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए देश विदेश क्यों भेजते हैं? आपको कहते हैं कि आप कांवड़ यात्रा करो, मंदिर में घंटा बजाओ और अपने बच्चों को देश से विदेशों तक भेजकर शिक्षा देने का काम करते हैं। इस बात को हमको और आपको सबको सोचना होगा। और हाथ जोड़ कर जनता से क्या वोट मांगना ए भाई, हाथ जोड़ कर जनता से क्या वोट विचार करे के हुई। शिवलिंग पे जल ढाल
प्राइम मिनिस्टर हो जाते अब भी नजर नहीं खुली यदि मंदिरों में मन्नत मांगने से शिवलिंग पे जल चढ़ाने से हमें सब कुछ मिल जाता तो जनता के दरबार में जाने की क्या जरूरत है। लोग सीएम पीएम बनने के लिए जनता के चौकट पे क्यों जाते हैं? इस बात को सभी लोगों को सोचना होगा कि हमें किसी मंदिर और मठ से कुछ ना मिला है ना मिलेगा, जो कुछ भी मिलेगा जनता के दरबार में ही मिलेगा। अगला सवाल मेरा आप लोगों से है, क्या है? MBBS MAS MD करने की क्या जरूरत है? MD की तैयारी करने में बच्चों को कईयों साल लग जा रहा है, उतना मेहनत करने की क्या जरूरत है अगर हमें मंदिर में ही सब कुछ मिल जाता तो। लेकिन नहीं, हमें मंदिर में कुछ नहीं मिलता है। अगला मेरा सवाल क्या है? धक्का खाते हो मंदिर में राष्ट्रपति भी हो मंदिर में एक अदना पुजारी घुसने नहीं देता है, फिर भी वहां जाने के लिए क्यों दौड़ते हो? फिर भी वहां जाने के लिए क्यों परेशान होते हो? अपने स्वाभिमान को जगाओ, स्वयं सिकंदर बन जाओगे। लास्ट लाइन में कहना है क्या? कहे कभी संतोष हो सुमें जीना सीखो धरती पे। जीना सीखो धरती पे, क्यों? कहे कभी संतोष हो तुम्हें जीना सीखो धरती पे, सरोज त्यागी पढ़ते तो हो, सरोज त्यागी पढ़ते तो हम जज बैरिस्टर हो जाते, हम जज बैरिस्टर हो जाते।
जज बैरिस्टर हो जाते अगर मेरी गीत अच्छी लगी हो तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक भी करेंगे और कमेंट में अपने राय को आप लोग देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यही कहते हुए मैं कहना चाहूंगी, होता जो पावर कावर में हो, होता जो पावर कावर में ढोने वाले कलेक्टर हो जाते हैं, ढोने वाले कलेक्टर हो जाते हो, ढोने वाले कलेक्टर हो जाते हो, ढोने वाले कलेक्टर हो जाते हो, ढोने वाले कलेक्टर हो जाते। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।